लैंड सर्वे का जो प्रारूप है बिहार को गृह युद्ध में ढकेल रहा है। गले मुर्दे उखाड़ोगे तो स्वाभाविक है कि ये बिहार गृह युद्ध में तब्दील होगा, खूनी संघर्ष हो जाएगा। अब चले जाओ बीसपी, वहाँ के भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने लगभग 30 बीघा जमीन बेच रखा है और किसी को रजिस्ट्री नहीं किया है। लैंड सर्वे के नियमों में लचीलापन लाइए, व्यवहारिकता लाइए, तब लैंड सर्वे होगा, वरना ये जो लैंड सर्वे का वर्तमान प्रारूप है एक खूनी संघर्ष को बढ़ावा देगा। कंपनियां लूट रही है बिहार की आवाम को, जेब ढीला कर रही है। स्मार्ट मीटर 5G का जमाना है, 2G वाला स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, पैसा वसूल रही है कंपनी, कुछ माल जा रहा है एक नंबर वाले को, कुछ माल जा रहा है ऑफिसर वाले को, दो नंबर वाले को। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में लैंड सर्वे चल रहा था, मंत्री दिलीप जायसवाल ने तत्काल इसे रोक दिया है, मगर सवाल कई हैं। वहीं स्मार्ट मीटर से लोग अब परेशान हैं, बेहाल हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अब स्मार्ट मीटर से लोग इतना परेशान हो गए हैं कि स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर सड़कों पर तोड़ रहे हैं। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, इनसे बात करेंगे। सर, लैंड सर्वे को फिलहाल रोक दिया गया है, जो लैंड सर्वे हो रहा था, कई तरह की समस्याएं निकल कर सामने आ रही है। अब सरकार ने फैसला लिया है कि 3 महीने का वक्त दिया जाएगा और उस वक्त में तमाम दस्तावेज अप टू डेट करने होंगे। जो वर्तमान लैंड सर्वे का जो प्रारूप है बिहार को गृह युद्ध में ढकेल रहा है। कानून को लचीला बनाना चाहिए था, स्वामित्व को आधार मानना चाहिए था, पर सरकार ने इन दोनों पक्षों को दरकिनार करके अड़ियल रुख अख्तियार किया और बिहार में लैंड सर्वे का जो प्रारूप पेश किया, हर लोग परेशान है। भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है, रुपया लेते हुए वीडियो दिखाए जा रहे हैं, सर्वे के नाम पर दोहन और शोषण जितने बड़े पैमाने पर बिहार में चल रहा है, इस सर्वे का प्रारूप सत्ता की ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। पर सरकार जो दावा कर रही है कि कई जमीन ऐसे हैं जिन्हें हथिया लिया गया, अब तमाम चीज साफ हो जाएंगे, कौन किसका जमीन और जो विवाद होते थे वो खत्म होगा। जमीन जिनका स्वामित्व एक आधार होनी चाहिए ना, जो 40 साल से 45 साल से 30 साल से जमीन पर जोत रहा है, जिस पर कोई लिटिगेशन कोई चल नहीं रहा है, कोई केस नहीं चल रहा है, उन जमीनों का स्वामित्व जिनके पास है वो जमीन उनका हो, प्रारूप मिलानी चाहिए थी। पहले के ज़माने में जमीन का कोई वैल्यू नहीं था, ऐसे ही लोग ले लेते थे कुछ दे करके पैसा, लोग चले गए रजिस्ट्री करने के नाम पर, चूक हो गई, उन्हें खोजने आए नहीं खोजने गए। इन परिस्थितियों में सर्वे के नाम पर अगर गले मुर्दे उखाड़ोगे तो स्वाभाविक है कि ये बिहार गृह युद्ध में तब्दील होगा, खूनी संघर्ष हो जाएगा। जितना वक्त दिया गया है कि आपको लगता है पर्याप्त है, 3 महीने? मैं एक उदाहरण देता हूँ, अब चले जाओ बीसपी, वहाँ के भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने लगभग 30 बीघा जमीन बेच रखा है और किसी को रजिस्ट्री नहीं किया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाकर के मीडिया रिपोर्ट, जाकर के उन घरों से जाकर के पूछे जिनसे पैसे ले रखे हैं। सर्वे में तो स्वामित्व इनका दिखाएगा, जोत रहा है कोई और, जोत का मालिक कोई और है, क्या खूनी संघर्ष को बढ़ावा देगा कि नहीं देगा? एवरीबडी आर नोन इन बीसपी एरिया कि भाजपा विधायक ने जमीन बेच दी, पैसे ले ली, रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, इसका कौन देखेगा? क्या खूनी संघर्षों को बढ़ाना चाह रहे हो? मैं एक उदाहरण दिया। तो इस तरह से सर्वे का जो प्रारूप है एक कहीं न कहीं बिहार को झंझट में डालने वाला है और ये सत्ता की ताबूत में अंतिम कील साबित होगी, मैं दोहरा रहा हूं।
नहीं तो आप कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल की मुलाकात पप्पू यादव से होती है, लैंड सर्वे को 3 महीने के लिए फिलहाल रोका जाता है, पप्पू यादव आभार व्यक्त करते हैं, आपको 3 महीने का यह वक्त सही लग रहा है? मैंने एक लाइन में कहा आपको, आदरणीय तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि लैंड सर्वे के नियमों में लचीलापन लाइए, व्यावहारिकता लाइए, तब लैंड सर्वे होगा, वरना ये जो लैंड सर्वे का वर्तमान प्रारूप है एक खूनी संघर्ष को बढ़ावा देगा। स्मार्ट मीटर से लोग तबाह परेशान हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में आक्रोश है। स्मार्ट मीटर और डेटेड स्मार्ट मीटर लगाया गया बिहार में, कंपनियां लूट रही है बिहार की आवाम को, जेब ढीला कर रही है। यह स्मार्ट मीटर नहीं है, घरों की जायका बिगाड़ दिया। पूछिए जाकर के आम और आवाम से कितने पीड़ित हैं। पता चला कि मध्य रात्रि है, किसी कारण से रिचार्ज माइनस में चला गया, ध्यान नहीं रहा, घर में तबीयत खराब है, बीमार पड़ा हुआ है, बिजली कट जाती है, चिल्लाते रहते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं एक पत्रकार का नाम नहीं लूँगा, 12 बजे रात में हमको फ़ोन किया, कहा कि हालात ऐसी है, पैसा जमा कर दिए मैं लेकिन बिजली नहीं दे रही है, बिजली के लिए रात भर तड़पना पड़ा। आम आदमी का क्या होगा, ज़रा बताइए। तो स्मार्ट मीटर बिहार के जनजीवन के लिए एक ऐसा अभिशाप है, इस अभिशाप से बिहार की आवाम मुक्ति चाहती है। तेजस्वी जी के संकल्पों को लोगों ने स्वीकार कर लिया कि तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। अब इस आधार इसको मानक मान करके बिहार की आवाम चल रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर के अगर रिचार्ज भी, जैसा आपने उदाहरण भी बताया कि रिचार्ज भी करा दिया फिर भी बिजली नहीं आई, मगर लोगों में आक्रोश है कि स्मार्ट मीटर के मीटर इतने तेजी से घूमते हैं। स्मार्ट मीटर 5G का जमाना है, 2G वाला स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, पैसा वसूल रही है कंपनी, कुछ माल जा रहा है एक नंबर वाले को, कुछ माल जा रहा है ऑफिसर वाले को, 2 नंबर वाले को, हालात तो ये हो गया है। सरकार मौन क्यों है, क्या कारण लगा? सरकार चुप्पी, सरकार क्या भाव डूब चुकी है, शासक अचेतन अवस्था के शिकार है। परेशानी यहाँ है, बिहार भगवान भरोसे, अचेतन अवस्था का दंश बिहार लंबे समय तक नहीं भुगत सकता है, समय आने पर निर्णय बिहार के आवाम को लेना ही पड़ेगा। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को, समय आने पर बिहार की जनता को निर्णय लेना होगा, और वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न है, देखिए स्मार्ट मीटर को लेकर लोग त्राहिमाम त्राहिमाम है, परेशान हैं। हम लगातार वो तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं किस तरीके से लोग अब स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर सड़कों पर ला तोड़ रहे हैं, वहीं सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं, लैंड सर्वे को तत्काल रोक दिया गया है। यही कई प्रश्न हैं, सरकार का यह दावा है कि लैंड सर्वे जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जो विवाद उत्पन्न होते थे ख़ास तौर पर ज़मीनी विवाद, वह ख़त्म हो जाएगा, मगर फिलहाल लैंड सर्वे को रोका गया है, दस्तावेज ठीक कर लीजिए और पुनः इसकी शुरुआत की जाएगी। खैर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।